हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी? फैमिली, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वसई ईस्ट के अंदर, मधुबन के अंदर। इसमें आपको सिर्फ 5 लाख रुपया लेके आना है और आपका 1 BHK का फ्लैट हो जाने वाला है। बाकी का जो पेमेंट है आपको पोजीशन के टाइम देना है। पोजीशन से 2 से 3 महीना पहले आपको कॉल किया जाएगा, उस टाइम पर आपका EMI और सारी चीज़ें आएगा। तो चलिए फैमिली, सबसे पहले मैं आप सभी को इसका लोकेशन फ्लैट दिखाता हूँ एंड कुछ सैंपल भी दिखाता हूँ। तो ये टोटल जो है वो हिंदू लोकेलिटी है, यहाँ पे कॉस्मो में भी फ्लैट है। तो हिंदू लोकेलिटी और कॉस्मो आपको यहाँ पे दोनों ही मिल जाता है। इसका नाम है नक्षत्र आस्था। तो चलिए फैमिली, हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसका फ्लैट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को डिटेल दूंगा। फैमिली, अभी अभी तक जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं इसी तरीके का प्रोजेक्ट लेके आता हूं अपने चैनल पे, तो मैं चाहता हूं मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फ्लैट। फैमिली, ये जो आप देख रहे हैं ये इनका है सेल्स ऑफिस, और सेल्स ऑफिस के अंदर ही सैंपल फ्लैट बनाया गया हुआ, और अभी हम लोग है 1 BHK के इसके सैंपल फ्लैट में। ये इसका शो फ्लैट है, आप देखेंगे कि चारों तरफ से जो है इसमें इंटीरियर का काम किया हुआ है, ऊपर नीचे काफ़ी अच्छा हाइट है। हम लोग अभी लिविंग एरिया में, लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे हाइट मिल जाता है 13 फीट की, और लंबाई की बात करूँ तो 9.2 की यहाँ पे लंबाई मिल जाती है। उसके बाद भी फैमिली आप सब देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है वो डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे आराम से 5 से 6 लोग जो है वो डाइनिंग एरिया का लुत्फ उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप सीटिंग एरिया है, और यहाँ पे जो TV का यूनिट है, तो काफ़ी अच्छा खासा ये स्पेस है। ये हम लोग हैं वसई के अंदर नक्षत्र आस्था के फ्लैट में। इसकी अगर मैं कारपेट की बात करूँ तो 390 का आपको कारपेट मिलता है। उसके बाद भी आप सभी को यहाँ पे बालकनी एरिया मिल जाता है। बालकनी एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 1.5 फीट की बालकनी, और यहाँ पे टोटल आपको 12 फीट की लंबाई मिल जाती है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा आप सभी को जो है वो व्यू आने वाला है। इस फ्लैट के हर एक विंडो से आपको जो है बहुत ही नेचर से कनेक्ट आपको मिलने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा एंटर आते ही हमको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले किचन मिलता है। किचन आप देखेंगे कि दोनों साइड पर जो है वो मार्बल प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है, नीचे भी आपको सब मार्बल मिल जाता है। इसमें फैमिली आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे मॉड्यूलर किचन नहीं मिलने वाला, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ये दोनों ही नहीं रहेगा। ये सो फ्लैट है करके आपको एक दिखाया गया है कि फ्लैट रेडी होने के बाद किस तरीके से इसका लुक आएगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इसका फ्रिज का एरिया, तो यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं, और इसके ठीक सामने ही आपको कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट मिलता है। कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट की मैं बात करूं तो एंटर करते ही इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है बेसिंग एरिया। आप लोग देखेंगे जनरली अभी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, फ्लैट में क्या हो रहा है कि बेसिंग एरिया जो बनाना बंद कर दिए, बट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। उसके बाद आप ये वाला भी स्पेस देखेंगे तो काफी अच्छा खासा स्पेस है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो आपको 7 फीट की लंबाई मिल जाती है, चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 फीट की चौड़ाई मिल जाती है। अगर आप हाइट देखेंगे तो आपको यहाँ पे कम से कम 9.5 से 10 फीट की हाइट मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये लग्जरियस फ्लैट है अपने वसई ईस्ट के अंदर, मधुबन के अंदर। उसके बाद फैमिली हम लोग एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही आपको मिलता है राइट हैंड साइड में वॉशरूम एंड टॉयलेट। यहाँ पे भी आप देखेंगे बेसिंग एरिया बनाया हुआ और नीचे सब कैबिनेट्स बनाए हुए। उसके बाद भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस मिलती है, और इसकी भी हाइट 9.5 से 10 फीट है। और ये हम लोग आते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे 6x6 का एक बेड रखने के बाद भी आपको जो है यहाँ पे एक 2.5 फीट का स्पेस मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी 1.75 फीट का स्पेस मिलता है आने जाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक स्पेस मिलता है 2.25 फीट का। उसके बाद यहाँ पे भी आपको बालकनी एरिया जो है वो दिया जा रहा है, आप सब देख सकते हैं। एंड आप सभी को ड्राई एरिया जो है आपको यहाँ पे किचन के अंदर ही मिल जाता है। तो किचन और मास्टर बेडरूम का अगर आप देखेंगे बालकनी तो आपस में कनेक्टेड है। ये एरिया देखने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका कवर्ड स्पेस। यहाँ पे भी कैसा है कि कवर्ड स्पेस बनाया हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे 1.5 फीट का आपको खाचा मिल जाता है, एक्चुअली 2.5 का मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है वो कवर्ड स्पेस बनाया हुआ है। कवर्ड स्पेस यहाँ पे ये नहीं रहेगा क्योंकि ये सो फ्लैट है, तो ये फर्नीचर बनाया गया, लेकिन यहाँ पे आपको 2.5 फीट का अंदर स्पेस मिल जाएगा। तो कवर्ड स्पेस रहने से फैमिली यहाँ पे आपका पूरा जो एरिया है वो यूटिलाइज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इसका जो हो गया वो बाथरूम एंड टॉयलेट हो गया। तो फैमिली अभी जो हम लोग थे ये है इसका 1 BHK का सैंपल फ्लैट। फ्लैट बनने के बाद कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। तो फैमिली आप सभी को मैंने इसका 1 BHK का फ्लैट दिखा दिया। अब बारी आती है इसके बारे में कि ये क्या प्रोजेक्ट है, कितने माले की बिल्डिंग है, और इसमें क्या क्या एमिनिटीज हम सभी को मिलने वाला है,
और ये किस तरीके का प्रोजेक्ट होने वाला है और ये कहाँ पे आ रहा है। तो आइए मैं आप सभी को अब सारा डिटेल्स बताता हूँ जो कि काफी मजेदार होने वाला है और ये एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और रहने के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है। वसई ईस्ट मधुबन का ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको 1090 बैंक सबवेंशन सिस्टम मिल रहा है, यानी 10% ही सिर्फ आपको जमा करना है और बाकी का जो 90% है वो आपसे डिमांड किया जाएगा जब बिल्डिंग जब पोजीशन देना रहेगा 3 महीना पहले, जब फिट आउट का जो सारा चीजें जब लगेगा उस टाइम पे, उसके पहले बैंक से जो है ये अपना जो पेमेंट जो है वो लेते रहेंगे, बट आपका इसको ईएमआई नहीं आएगा, इसका जो ईएमआई है वो डेवलपर अपने तरफ से भरेंगे। यानी जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है तब तक आप ईएमआई से जो है वो रिलैक्स है। तो इतना समझिए कि 1 BHK आपको यहाँ पे 5 लाख में मिलने वाला है और 2 BHK यहाँ पे मोटा मोटी 10 लाख में मिलने वाला है। तो काफी अच्छा खासा प्रोजेक्ट है फैमिली। तो चलिए अब बताता हूँ इसके बारे में डिटेल्स में। फैमिली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्राउंड प्लस 33 माले की ये बिल्डिंग है। ग्राउंड प्लस पे कमर्शियल शॉप आएगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से लेकर 33 माले तक जो है आपको रेसिडेंशियल एरिया मिलेगा। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो तरफ के फ्लैट बनते हैं। इसकी अगर मैं लैंड पार्सल की बात करूं तो टोटल 7 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके बाद इसमें 1 BHK और 2 BHK मिलते हैं, तो 1 BHK के पर फ्लोर पे 4 फ्लैट है और 2 BHK के पर फ्लोर पे 4 फ्लैट है। यानी टोटल फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो आपको 8 फ्लैट मिल जाता है। 1 BHK की कारपेट की बात करूं तो आपको इसमें 3 कारपेट मिल जाता है, 390, 408 और 416। 390 की प्राइस की बात करूं तो 33 लाख रुपया फ्लैट कॉस्ट। ऑल इन पैकेज की बात करूं तो 35,94,000 के अंदर आपको ये मिल जाता है, जिसका मैंने आपको सैंपल फ्लैट दिखाया। एक है 408, वो आपको मिलता है 34,80,000 के फ्लैट कॉस्ट पे। ऑल इन की प्राइस कर बात करूं तो 38 लाख में मिल जाएगा। जो 416 की कारपेट है वो 35,60,000 रुपए का फ्लैट कॉस्ट है। पैकेज की बात करूं तो 38,74,000 का पूरा पैकेज आ जाता है इसके अंदर। तो काफी अच्छा खासा ये लोकेशन पे है और काफी अच्छा खासा ये प्रोजेक्ट है। तो फैमिली सिर्फ आपको 5 लाख रुपए लेके आना है और आपको 1 BHK फ्लैट यहाँ पे मिल जाता है। अगर इसके मैं पोजीशन डेट की मैं बात करूँ तो 2025 दिसंबर इसका बिल्डर का पोजीशन डेट है, और रेरा रेट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 2026 दिसंबर है। फैमिली आप सभी को मैं बता दूँ कि नक्षत्र का जो बिल्डिंग है वो मीरा रोड से लेके पालघर तक काफी ज्यादा इनका पहले से एक्टिविटी है और भी इनका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये जहाँ पे भी बनाते हैं बहुत ही एक लग्जरियस और बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट ये डिलीवर करते हैं फैमिली। उसके बाद में आप सभी को बता दूं कि प्रोजेक्ट के ठीक सामने ही आपको एक गणेश टेम्पल मिल जाता है। तो लोकेलिटी भी देखेंगे तो टोटल हिंदू लोकेलिटी आपको मिल जाता है, और नक्षत्र का ही एक दूसरा टावर है उसके अंदर आपको कॉस्मो सोसाइटी मिल जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे देखेंगे तो ऑल कास्ट के लिए भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैट मिल रहा है। इसकी आप मैं एमिनिटीज के बारे में बात करूँ तो एमिनिटीज में आपको यहाँ पे मिल जाता है क्लब हाउस, जिम एरिया मिल जाता है, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, पार्टी लॉन एरिया मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा खासा स्पेस में यहाँ पे आ रहा है फैमिली। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पर प्रोजेक्ट है, यानी 10 मिनट में आप रेलवे स्टेशन चले जाते हैं वसई। और वसई जो है एक हब है, एक जंक्शन है, यहाँ पे हर तरह के जगह पे जा सकते हैं, हर तरीके के ट्रेन की सुविधा यहाँ पे आपको मिलती है। अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करो, मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, तो 20 मिनट के दूरी पे मिल जाता है, तकरीबन 8 किलोमीटर के दूरी पे। उसके बाद इंटरटेनमेंट शॉपिंग की बात करूँ तो कैरेनिवल सिनेमा आपको मिल जाता है 5 मिनट के डिस्टेंस पे, मैकडोनल्ड्स आपको मिल जाता है 5 मिनट के डिस्टेंस पे। स्कूल और कॉलेज की मैं बात करूँ तो JB लुधानी हाई स्कूल 2 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाता है, कालिंदी इंग्लिश स्कूल आपको 2 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाता है। उसके बाद प्ले ग्राउंड आपको मिल जाता है वसंत नगरी ग्राउंड 5 मिनट के डिस्टेंस पे। लेक पॉइंट्स की मैं बात करूं तो गोकीवारा तालाब एंड मंदिर 5 मिनट के डिस्टेंस पर मिल जाता है, राजवली तालाब एंड मंदिर आपको 10 मिनट के डिस्टेंस में मिल जाता है। तो फैमिली ओवरऑल अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो काफी अच्छा लोकेशन है, काफी अच्छा फ्लैट है, आपको 1 BHK में 3 कारपेट मिल जाता है। तो फैमिली आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब एक बार आए ये प्रोजेक्ट पे विजिट करें, काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट पे विजिट करने के लिए हमारे पास कॉल करें, हमारे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे जो सेल्स पर्सन है आपको यहाँ पे विजिट करेंगे, एंड हम पिकअप एंड ड्रॉप का भी सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप नायगांव स्टेशन पे भी आते हैं या फिर वसई स्टेशन पे भी आते हैं या फिर आप वेस्टर्न हाईवे पे भी आते हैं और वहाँ से आप बोलते हैं कि मुझे पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस देने के लिए, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फैमिली बहुत ही सस्ता ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा खासा है,
आप सभी आइए और एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। फैमिली हम लोग रीसेल रेंट कमर्शियल में भी काम करते हैं, अगर उसके लिए भी आपको संपर्क करना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर बॉम्बे के लिए हम काम करते हैं न्यू प्रोजेक्ट में, आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे। साथ साथ में हम होम लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप लोगों को होम लोन की भी जरूरत हो तो हमारा 52 बैंकों से टाई अप है, जिसमें हमारे बैंकर आपको डोर टू डोर सर्विस जाके प्रोवाइड कराते हैं, जिसका एक रुपया भी चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा खासा सर्विस हमारे पास मिल जाता है, होम के रिलेटेड, घर के रिलेटेड, फ्लैट के रिलेटेड आपको सारी सुविधा जो है कीप ग्रो प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाता है। एक चीज मैं आप सभी को और बता देता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो नॉन निगोशियबल प्राइस है, यहाँ पे आपको एक रुपया भी कम नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही रेट जो है वो मार्केट सर्वे करके सबसे कम रखा हुआ है, तो यहाँ पे नेगोशिएशन की कोई भी चांस नहीं है। अगर आप यहाँ पे हमारे थ्रू फ्लैट बुकिंग कराते हैं, किप ग्रो प्रॉपर्टी के थ्रू अगर आप फ्लैट बुकिंग कराते हैं, तो हमारे तरफ से एडिशनल आपको एक डबल डोर का फ्रिज दिया जाता है, जो कि डेवलपर के तरफ से नहीं, किप ग्रो प्रॉपर्टी के तरफ से दिया जाता है। तो चलिए फैमिली, आज के वीडियो में बस इतना ही, एक बार फिर से मैं आप सभी को मिलूंगा एक नए प्रोजेक्ट और एक नए फ्लैट के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल किप ग्रो प्रॉपर्टी के ऊपर कभी भी मार्केट से 10 से 15 लाख रुपया सस्ता फ्लैट लेके आता हूं, एक रीजनेबल रेट में लेके आता हूं। तो मैं चाहता हूं मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर के पास ये सबसे पहला वीडियो पहुंचे और ये इस लाभ का वो फायदा उठा सके, अपने नेबर को ये वीडियो दिखा सके एंड अपने दोस्त यार या किसी को भी हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फैमिली, आज के वीडियो में बस इतना ही, एक बार फिर से मैं आप सभी से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। Find myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life as far.